ये सीधी तस्वीर है राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर राजघाट से महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और अब से थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि विजय चौक से काफिला निकल चुका था प्रधानमंत्री मोदी का, और सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से होता है, इसलिए सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी होता है। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और उसके बाद बापू के समाधि की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उन्हें याद करते हुए, हर बार जिक्र आता है प्रधानमंत्री मोदी याद करते हैं महात्मा गांधी को, उनके आदर्शों को याद करते हैं, और ये इस बात को साबित करता है कि आज भी महात्मा गांधी कितने प्रासंगिक हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गांधी के आदर्शों का जिक्र करते हैं। और अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसी राजघाट पर उद्घाटन किया था राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर साफ सफाई की चर्चा करते हैं, महात्मा गांधी के संघर्षों को याद करते हैं, और इसीलिए आज के दिन की शुरुआत, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत अगर प्रधानमंत्री मोदी ने की है तो राजघाट से की है, महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और इसके बाद अब यहां से निकलकर सीधे लाल किला पहुंचेंगे, लाल किले के लाहौरी गेट से अंदर जाते हुए लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, और उसके बाद इंतजार इस बात का है कि जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो क्या कुछ बोलते हैं, चीन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, चीन को लेकर सरकार की रणनीति का कुछ खुलासा करते हैं, कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी बात कह देते हैं, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र तो करेंगे लेकिन इसके साथ ही इस मुश्किल दौर में भारत कैसे आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि हाल फिलहाल में इस पर सरकार की ओर से काफ़ी जोर दिया गया, इसको लेकर अभियान भी कई सारे चलाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर, और सांकेतिक तौर पर आपने देखा किस तरीके से जो गमछा प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं उसे उन्होंने मास्क की तरह इस्तेमाल किया है, और इससे पहले भी जब देश के नाम संबोधन जारी किया था प्रधानमंत्री मोदी ने तब उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि हम मास्क लगाएं, हम गमछे के साथ भी अपने नाक और मुंह को ढक सकते हैं।